नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और विटिलिगो विशेषज्ञ, स्किनोवेशन क्लिनिक्स में कार्यरत हूँ। आज हम बात करने वाले हैं विटिलिगो में सर्जरी के बारे में। विटिलिगो यानी सफेद दाग की जो बीमारी है, जो फुलवेरी जिसको बोलते हैं, ये जब स्टेबल हो जाती है तो सफेद दाग अक्सर रुक जाते हैं, ये ना बढ़ते हैं ना कम होते हैं। ऐसे में हम अक्सर सर्जरी की मदद लेते हैं। सर्जरी की मदद लेने से पहले आवश्यक करना चाहेंगे कि ये बीमारी स्टेबल है। स्टेबिलिटी के लिए हम चाहते हैं कि ये जो वाइट पैचेस हैं, ये एक साल से ज़्यादा से नए नहीं आए हों और इनमें कोई वृद्धि नहीं हुई हो, इनके साइज में कोई वृद्धि नहीं हुई हो। आमतौर पे जो पहले ज़माने से सर्जरी की ऑप्शन रही है वो है स्किन ग्राफ्ट, जिसमें एक त्वचा का टुकड़ा लेके जहाँ पे वाइट पैच है उसको वाइट पैच की स्किन को हटा के वो त्वचा का टुकड़ा लगा दिया जाता है। त्वचा का टुकड़ा अक्सर थाए से या पीछे बैक से लिया जाता है। अब इसमें समस्या ये है कि जितना बड़े वाइट पैचेस होंगे हमें कम से कम उतना ही बड़ा त्वचा का टुकड़ा लेना पड़ेगा उसको कवर करने के लिए। और कई बार ये जब हम कवर कर देते हैं तो वाइट पैच तो कई बार नजर नहीं आते, बट पैच वर्क जैसा दिखता है, जैसे लगता है किसी ने त्वचा का स्टिकर लगा दिया ऊपर, वो उभरा हुआ भी दिखता है और उसमें कई बार अलग अलग तरीके के रंग भी होते हैं। तो इसलिए आजकल जो सर्जरी के तरीके हम करते हैं वो हैं सेलुलर मेथड्स। जिस तरीके से हम सर्जरी आजकल करते हैं उनको सेलुलर ग्राफ्टिंग मेथड्स बोला जाता है। इनमें से जो हम सबसे ज़्यादा करते हैं उसका नाम है मेलेनोसाइट ट्रांसप्लांटेशन, यानी नॉन कल्चर्ड एपिडर्मल सेल सस्पेंशन ट्रांसप्लांटेशन। इस सर्जरी में हम एक बहुत छोटा सा त्वचा का टुकड़ा लेते हैं, वहीं थाई से या बैक से जो एरिया नॉर्मली दिखता नहीं है, हम जिस तरीके की पोशाक पहनते हैं उसमें दिखता नहीं है, और वो छोटे से टुकड़े में से हम मेलेनोसाइट्स यानी जो रंग बनाने वाली कोशिकाएं उनको एक प्रोसेस के द्वारा, एक प्रक्रिया के द्वारा अर्जित करते हैं। उसका एक तरल पदार्थ बना के जहाँ पे भी सफ़ेद दाग हैं उसको हम कुरेद के वो सस्पेंशन को डाल देते हैं और ऊपर एक ड्रेसिंग लगा देते हैं। वो ड्रेसिंग लगाने से धीरे धीरे वो भर जाता है। सर्जरी के बाद ये ड्रेसिंग अक्सर एक तो वहाँ पे ड्रेसिंग रहती है जहाँ पे पैचेस थे और जहाँ से हमने स्किन लिया है, जहाँ पे त्वचा का टुकड़ा लिया है वहाँ पे ड्रेसिंग रहती है। ये दोनों ड्रेसिंग अक्सर 7 से 10 दिन तक रहती है, उसको हम उतार देते हैं। उसके बाद उतारने के बाद में जो सफ़ेद दाग हैं वहाँ पे वो उस समय रेड होते हैं, जैसे भी कोई चोट हील हुई हो, कोई जख्म भरा हो, वैसे जब वो लाल होता है वैसे ही वो लाल होता है। धीरे धीरे करके उसमें जो मेलेनोसाइट्स हमने डाले हैं वो मेलेनिन बनाना यानी पिगमेंट बनाना शुरू करते हैं, जिससे वो एरिया कलर हो जाता है, फिर से उसमें उसी तरीके से रंग आ जाता है जैसे उसके आसपास की चमड़ी में स्किन का कलर है। और इस वजह से इसमें कलर मैच बहुत बेहतर होता है, ये चमड़ी उभरी हुई नहीं दिखती। तो अक्सर इसमें जो रिजल्ट होता है वो इस तरीके से दिखता है कि पहले कुछ वहाँ पे था ही नहीं, पहले कभी कोई वाइट पैच था ही नहीं। आमतौर पर पहले महीने में पिगमेंट आना शुरू हो जाता है और कभी कभार जल्दी पिगमेंट आ जाता है, कभी कभार 6 महीने लगते हैं पूरी तरह से वो पैच को रिकवर करने में। तो इसलिए हम सर्जिकल मेथड्स में आजकल मेलेनोसाइट ट्रांसप्लांटेशन प्रेफर करते हैं और उसी को ज़्यादातर अपने मरीजों पे करते हैं। मेलेनोसाइट ट्रांसप्लांटेशन यानी नॉन कल्चर्ड एपिडर्मल सेल ट्रांसप्लांटेशन का जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी हाई है, काफ़ी ज़्यादा है। इसका कारण ये है कि हम अक्सर पेशेंट्स जो चूज़ करते हैं वो बहुत सोच समझ के चूज़ करते हैं, वो स्टेबल होने ज़रूरी हैं, उनकी जो बीमारी है वो बिल्कुल रुकी होनी ज़रूरी है, तभी उनमें ये सर्जरी का फ़ायदा होगा। हमने सैकड़ों मरीज जो आज तक इस ट्रीटमेंट के द्वारा ट्रीट करे हैं उनमें करीब करीब 90% से अधिक का सक्सेस रेट रहा है। और कुछ तरीके के विटिलिगो होते हैं जिनको सेगमेंटल विटिलिगो बोलते हैं, यानी जो एक ही जगह पे शरीर के रहते हैं, या फिर पाइबाल्डिज्म एक सफ़ेद दाग की बीमारी होती है जो विटिलिगो से अलग होती है। इन बीमारियों में ये प्रोसीजर का सक्सेस रेट
करीब करीब 100% है, इनमें ये रिस्पॉन्ड करता ही करता है क्योंकि वो पहले से स्टेबल होते हैं। मेलेनोसाइट ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी अक्सर लोकल एनेस्थीजिया में या फिर इवन टॉपिकल एनेस्थीजिया यानी सिर्फ सुन करने की दवाई लगाई जाती है पैचेस पे और जहां से चमड़ी ली जा रही है वहां पे सुन करने की दवाई लगाई जाती है और जैसे वो सुन हो जाता है फिर हम वो सर्जरी कर देते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेहोश करके की जाती है। हाँ, अगर बहुत बड़े पैचेस हों तो जनरल एनेस्थीजिया यानी बेहोशी की के डॉक्टर का भी हम मदद लेते हैं और उनको जनरल एनेस्थीजिया में करते हैं, बट ज़्यादातर मरीजों में इसको लोकल एनेस्थीजिया यानी सुन करने का इंजेक्शन या सुन करने की दवाइयों से ही, सुन करने की क्रीम से ही सर्जरी को कर सकते हैं। इसमें सर्जरी की अवधि अक्सर 2 से 2.5 घंटे होती है, उसके बाद में हम कुछ देर तक मरीज को चाहते हैं कि वो एडमिटेड रहे कमरे में, थोड़ा सा रेस्ट करें और फिर वो जा सकते हैं। ओवरनाइट एडमिशन यानी पूरी रात के लिए हम कभी भी भर्ती नहीं करते हैं। सर्जरी के बाद अक्सर जब हम पट्टी को, ड्रेसिंग को खोलते हैं और वहाँ पे हीलिंग हो जाती है पूरी तरह, तो हम अक्सर फोटोथेरेपी यानी यूवी रेस ट्रीटमेंट या एक्साइमर ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं ताकि पिगमेंटेशन जो है वो जल्दी आए। हमने जो चमड़ी में मेलेनोसाइट्स, जो त्वचा में मेलेनोसाइट्स पहुँचाए हैं, हम चाहते हैं कि वो जल्दी काम करना शुरू करें और जिससे वहाँ पे पिगमेंटेशन पूरे में आ जाए और वो पूरी तरह मेलेनिन वहाँ पे बन जाए।